नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इंटरमीडिएट परीक्षा में मुन्ना भाइयों ने बीएसईबी की मंशा पर फेरा पानी, टीएनबी कॉलेज से फिर दो फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। रंगदारी और गोलीबारी के विरोध में व्यवसायियों ने नाथनगर बाजार को किया बंद, एसएसपी से अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग। जमीन के अंदर छुपाकर रखा गया भारी मात्रा में विस्फोटक हुआ बरामद, एसएसबी और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। मेयर ने प्रभारी नगर आयुक्त के खिलाफ डीएम से की शिकायत, स्मार्ट सिटी के बैठक की सूचना दबाने का लगाया आरोप। और नहीं थम रहा है सड़क हादसों का दौर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, शिक्षिका की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे और परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई अफसरों ने व्यापक तैयारी का दावा भी किया था, लेकिन बोर्ड की मंशा पर शातिर मुन्ना भाइयों ने पानी फेर दिया है। भागलपुर में इंटर की परीक्षा के दौरान टीएनबी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज दूसरे परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देते फिर से दो मुन्ना भाई पकड़े गए। बता दें कि इस केंद्र से गुरुवार को 6 और बुधवार को 22 फर्जी परीक्षार्थियों को दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़ा गया था। टीएनबी कॉलेज परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि पहली पाली में बायोलॉजी की परीक्षा चल रही थी, इसी दौरान शिक्षकों को कुछ छात्रों पर शक हुआ, जिसके बाद ड्यूटी में लगे शिक्षकों ने एडमिट कार्ड और फोटो का मिलान किया, साथ ही सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद दो फर्जी परीक्षार्थी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक फर्जी छात्र बाथरूम के बहाने भागने में सफल रहा। पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी में कल्याण कुमार और मुकेश कुमार शामिल है, जिसमें से एक छात्र एके गोपालन कॉलेज जबकि दूसरा ताड़र कॉलेज का है। इधर पुलिस फरार फर्जी परीक्षार्थी की खोज कर रही है। आज अभी प्रथम पाली में अभी तक दो फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाए हैं, उसमें से एके गोपालन कॉलेज सुल्तानगंज का है और दूसरा ताड़र कॉलेज ताड़र का है। और आज से जो है सख्ती का असर दिखा है, लगभग जो परीक्षार्थी जो है लगभग आज ठीक है, वही दो परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। सेकेंड पाली में भी सख्ती बरती जाएगी और किसी भी कीमत पर जो गलत परीक्षार्थी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो सही परीक्षार्थी है उनको कोई कष्ट नहीं होगा। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी रुपेश यादव द्वारा गुरुवार को बीच बाजार में की गई गोलीबारी मामले को लेकर शुक्रवार को नाथनगर के व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बदमाश रुपेश यादव का पुतला दहन किया। आक्रोशित व्यवसायियों ने नाथनगर मुख्य बाजार पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। इसको लेकर व्यवसायियों ने कहा कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई बदमाश पहुंचकर बड़े बदमाशों के नाम पर कभी गोलीबारी तो कभी अन्य तरीके से परेशान करता है, लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बाजार बंद होने की सूचना पर एएसपी पूरन झा व नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से निर्भीक होकर दुकान खोलने की अपील की, लेकिन दुकानदार इस बात पर राजी नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस और व्यवसायी बदमाश रुपेश के घर पहुंचे, जहां रुपेश की मां ने साफ शब्दों में कहा कि वो खुद दोनों की गिरफ्तारी चाहती है। मामले को लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि रुपेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है और एएसपी सिटी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल्द आरोपित बदमाश रुपेश यादव को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं व्यवसायियों ने इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन से नाथनगर मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और रेलवे फाटक के आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे पुलिस की तैनाती करने की मांग की। साथ ही कहा कि जब तक इन बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक व्यवसायी एकजुट होकर दुकानों को बंद रखेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार, डीआईजी, डीएम, एसएसपी को भी आवेदन देकर सभी व्यवसायियों ने बाजार में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। नंबर 5 का मार्केट एरिया है। कुछ तत्व लोग यहां पर बराबर आके डिमांड करता है और डिमांड का वर्चस्वी बना के रखना चाहता कि हमको बराबर महीना देता रहे, लेकिन आज का हालात ऐसा है कि लोग खाने पीने के लिए तरस रहा है तो कहाँ से देगा। तो इसके लिए भाई मेरे वार्ड के तमाम दुकानदार को और तमाम जनता को सुरक्षा की ज़रूरत है, उसके लिए फोर्स चाहिए,
जो बराबर गश्ती करता रहे और पुलिस की गश्ती होती भी है, लेकिन बाजाब्ता तौर पर ये केविन ये फाटक के पास यहाँ पर एक सीवील टाइप का लगा दे जो हमेशा रहे। बांका एसएसबी बटालियन को मिली गुप्त सूचना के मुताबिक बिरमा और अमकोरिया के जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटक सामान जमीन के अंदर गाड़ा गया था, जिस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी विस्फोटक सामान को बरामद किया गया। दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत बगदसवा गांव के जंगलों में नक्सलियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामान को गाड़ रखा था, जिस पर जानकारी मिलते ही बांका एएसपी अभियान अयोध्या सिंह और एसएसबी डेल्टा कंपनी बेलहार के असिस्टेंट कमांडेंट अंजन सरकार के नेतृत्व में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नक्सली द्वारा रखे गए सामान को बरामद किया गया। बरामद सामान में विस्फोटक बारूद, नक्सली पर्चा, बैनर, वर्दी समेत कई तरह के सामान मिले हैं। ऑपरेशन में एसएसबी इंस्पेक्टर सिकंदर कुमार, बेलहार एसएचओ विनोद कुमार, एसएसबी सब इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह समेत एसएसपी जवान भी मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम में करीब एक माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी स्थायी नगर आयुक्त के नहीं रहने पर कई कार्य बेपटरी हो गए हैं, साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं प्रभारी नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा और मेयर सीमा शाह के बीच समन्वय का अभाव देखा जा रहा है। शुक्रवार को मेयर सीमा शाह ने सूचना दबाने को लेकर प्रभारी नगर आयुक्त के खिलाफ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की, साथ ही आवेदन की कॉपी नगर विकास और आवास विभाग मंत्री साथ ही प्रधान सचिव को भी भेजा। डीएम को दिए गए आवेदन में महापौर ने कहा कि 5 फरवरी को पटना में प्रधान सचिव के साथ स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक आहूत की गई थी, लेकिन प्रभारी नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने इसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वह भी सदस्य है। मेयर सीमा शाह ने कहा कि शहर के विकास कार्य को लेकर स्मार्ट सिटी की बैठक में उनकी उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन प्रभारी नगर आयुक्त ने सूचना ही दबा ली। डीएम को दिए गए पत्र में मेयर ने प्रभारी नगर आयुक्त पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं मेयर सीमा शाह ने कहा कि सत्येंद्र वर्मा जानबूझकर पत्र दबाते हैं ताकि वो अपनी मनमर्जी कर सके, लेकिन निगम में वह ऐसा नहीं होने देंगे। इधर पूरे मामले पर प्रभारी नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर नहीं है, इसलिए उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। आज डीएम के पास गए पहले कि नगर निगम के जो आज एक महीने अधिकारी नहीं थे, इस कारण से गए थे क्योंकि तेल के लिए सबसे जरूरी था कि गाड़ी नहीं चलेगा, शहर स्वास्थ्य के लिए टफ हो जाएंगे, दूसरा पानी की समस्या के लिए आएंगे, पानी भी शरीर के लिए चाहिए तो पानी के लिए वहाँ भी गाड़ी चलता है, उसके लिए गए थे। तीसरा कि जो हमारे लेबर जो चलते हैं डेली वेजर में, उनको पेमेंट कैसे हुआ जाए, इसके बारे में तीनों के साथ में अवगत कराया। और तीसरा चौथा हम किए फिर क्या, आज स्मार्ट सिटी का बैठक है पटना में, इसका सूचना हमको नहीं मिला। और ये लेटर हम अपने मेल में खोजवाए कि मेल के चैम्बर में मेल में आता है तो उसको देखिए, लेकिन पता नहीं चला। ये हम क्या कहते हैं, नगर आयुक्त के चैम्बर में भी ये रहना चाहिए, लेकिन वहां से कोई सूचना नहीं मिला। इसका मतलब ये कहीं न कहीं ये दाब रहे हैं लेटर को, अब मेयर से दूर कर रहे हैं कि आज स्मार्ट सिटी के बैठे मन, जैसे हम पटना से खबर आया कि आज मैडम आप वहां क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो मतलब कोई खबर ही नहीं है। भागलपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर जारी है। ताजा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ऊपर बाजार पुरानी दुर्गा स्थान के समीप से सामने आया है, जहां बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत और एक व्यक्ति जख्मी हो गया। मृतका की पहचान संजय कुमार की 53 वर्षीय पत्नी इंदु कुमारी के रूप में हुई है। बता दें मृतका इंदु कुमारी खड़िया मध्य विद्यालय में शिक्षिका थी। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार इंदु कुमारी अपने पति संजय कुमार सिंह के साथ खड़िया मध्य विद्यालय ड्यूटी पर जा रही थी, तभी ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई और ट्रैक्टर इंदु के ऊपर से गुजर गया। हादसे में महिला ट्रैक्टर की चपेट में आ गई और उसका पति दूसरी तरफ जा गिरा, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर सुल्तानगंज प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेज दिया है। चौक से जा रहे थे, मतलब 100-150 के आगे बढ़े थे, तो उधर से एक ट्रैक्टर मतलब तेजी से आ रहा था। ट्रैक्टर आ तेजी, सोचे कि ऐसे भी मार देगा धक्का, इसलिए हम साइड किए तो मतलब क्या ब्रेक मारे वो स्लिप हो गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में शुक्रवार को बीएसएनएल कर्मियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के जिला सचिव प्रशांत कुमार के नेतृत्व में विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए बीएसएनएल कर्मचारियों ने सरकार पर बीएसएनएल को तोड़ने और बेचने की साजिश करने का आरोप लगाया। इस दौरान समय पर वेतन भुगतान करने, कर्मचारियों के लंबित डीए के मामले का समाधान करने और अविलंब 4G स्पेक्ट्रम मुहैया कराने की मांग की गई। वहीं देशव्यापी कार्यक्रम के तहत किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशांत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का सभी वर्ग आंदोलित है। उन्होंने सरकार पर कॉरपोरेट घराने को मजबूत करने और बीएसएनएल को बेचने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार अगर बीएसएनएल के कर्मियों की मांग पूरी नहीं करेगी तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। आज अखिल भारतीय स्तर पर हम लोगों का एक दिवसीय धरना एक प्रदर्शन का कार्यक्रम था। यह प्रदर्शन का कार्यक्रम किस लिए रखा गया यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीएसएनएल प्रबंधन के पास हम लोगों के कर्मचारियों के 78% डीए का जो है मामला लंबित पड़ा हुआ है। बीएसएनएल कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान का मामला पड़ा हुआ है और सबसे बड़ी जो ज्वलनशील मुद्दा है बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम जल्द से जल्द मुहैया कराने का। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ आज भी लगी रही। फॉर्म जमा करने के लिए छात्रों को 2 से 3 घंटे कतार में खड़ा रहना पड़ा। वहीं गुरुवार को हुए हंगामे के बाद टीएनबी कॉलेज में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए 6 काउंटर खोले गए, साथ ही सीरियल नंबर से फॉर्म जमा लिया गया। वहीं मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, एसएम कॉलेज और महादेव सिंह कॉलेज समेत सभी कॉलेजों में छात्रों की लंबी लाइन लगी रही। टीएनबी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि स्नातक पार्ट 1 का फॉर्म छात्र बिना विलंब शुल्क के 8 फरवरी तक जबकि विलंब शुल्क के साथ 11 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बीए पार्ट 1 का यहां पे फॉर्म भराया जा रहा है। कल थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई थी जिसके कारण अव्यवस्था हो गई थी, जिसके कारण माननीय कुलपति ने एक टीम बना दिया है। 4 शिक्षक है उस टीम में और इनको मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इस अव्यवस्था न हो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्म में नंबर सिस्टम डाल दिया है। जैसे जैसे लोग खड़े हैं आप देख रहे हैं सभी को मैंने फॉर्म में नंबर दे दिया है और उस नंबर के आधार पर ही फॉर्म के काउंटर में उसका रसीद कटेगा। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में आज बजट 2021-22 पर राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता एसएम कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर तबस्सुम प्रवीण ने की। इस दौरान अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रकाश सिन्हा समेत कई शिक्षकों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। टीएनबी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर सुमन कुमार, मारवाड़ी कॉलेज के डॉक्टर अनिल तिवारी और डॉक्टर आशीष मिश्रा ने संगोष्ठी में आम बजट को बैलेंस बजट बताया। वक्ताओं ने कहा कि इस बजट से आम लोगों को दीर्घकालीन फायदे होंगे और जीविका बनाम आजीविका को दर्शाता है। भागलपुर के पूरनमल बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शुक्रवार को 2 दिवसीय राष्ट्र सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का इंट्रोडक्शन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय के डीन डॉक्टर राकेश कुमार ने किया। प्रोफेसर नंद कुमार इंदु ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई।
जिससे शैक्षणिक क्षेत्र में विकास होगा। साथ ही शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों ने कहा कि शोध साधना का विषय है और बिना शोध किए नई सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती है। कार्यक्रम का संचालन सरिता कुमारी ने किया। मौके पर TMBU के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, प्राचार्य अजीत कुमार पांडे, ख्याली राम, प्रोफेसर ब्रजभूषण तिवारी समेत काफी संख्या में शिक्षाविद, विद्या भारती के पदाधिकारी और BEd के छात्र छात्रा मौजूद थे। पूर्ण देश भर के अंदर राष्ट्र से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, अनुभव आधारित, बाल केंद्रित क्रिया को ध्यान में रखते हुए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए एक ज्ञान वर्धन करने की दृष्टि से इस प्रकार की योजना रचना हम लोग करते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के डाक बंगला कार्यालय के प्रांगण में आज क्षेत्र संवाददाता संघ का बैठक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व दैनिक भास्कर के स्थानीय पत्रकार श्वेतांबर झा और प्रभात खबर के स्थानीय पत्रकार W कुमार ने की। साथ ही इसकी अध्यक्षता मनोज मिश्र द्वारा की गई। वही मुख्य अतिथि का स्वागत कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष मनोज मिश्र ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अंग क्षेत्र संवाददाता संघ के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी तीव्र गति से चल रही है और जल्द ही संघ का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहीं इसका सीधा फायदा पत्रकारों को मिलेगा। साथ ही कहा कि बैठक में अनुपस्थित रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार मिलन समारोह में राजद के जिला महासचिव चक्रपाणी हिमांशु, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, CO शंभुशरण रॉय, असरगंज CO अमित कुमार, नगर सभापति नीलम देवी समेत अन्य पदाधिकारियों ने अंग क्षेत्र के पत्रकारों को अजगैवीनाथ मंदिर का मोमेंटो व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। बाकासुइया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ुआ नदी के पास एक और सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ने बाइक को ठोकर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त सुशील यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार भेलाव से सुइया आने के क्रम में सुशील यादव के बाइक की टक्कर ट्रैक्टर से हो गई। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही सुइया थाना इंचार्ज दल बल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे की खबर मिलते ही मृतक के घर वाले सदमे में हैं। बांका के भुसिया रजौन दीप नारायण सिंह कॉलेज में इंटर परीक्षा के दौरान मुख्य द्वार पर प्रवेश को लेकर रजौन CDPO सुनीता कुमारी और छात्रों के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल इंटर की परीक्षा देने आए छात्रों को CDPO ने जैसे ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी दिखाई जाने की बात कही, छात्रा आक्रोशित हो गई। छात्रों ने कहा कि सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से ऐसी किसी भी नियमों की जानकारी नहीं दी गई थी, बावजूद इसके छात्राओं को परेशान किया गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने जैसे ही मामले की सूचना जिलाधिकारी को देने की बात कही, वैसे ही CDPO ने छात्राओं को केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी। बता दें कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में CDPO द्वारा बिना किसी नियम के अंतिम समय में फोटोकॉपी मांगना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इंटरमीडिएट परीक्षा में मुन्ना भाइयों ने BSEB की मंशा पर फेरा पानी, TNB कॉलेज से फिर दो फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। रंगदारी और गोलीबारी के विरोध में व्यवसायियों ने नाथनगर बाजार को किया बंद, SSP से अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग। जमीन के अंदर छुपाकर रखा गया भारी मात्रा में विस्फोटक हुआ बरामद, SSB और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। मेयर ने प्रभारी नगर आयुक्त के खिलाफ DM से की शिकायत, स्मार्ट सिटी के बैठक की सूचना दबाने का लगाया आरोप। और नहीं थम रहा है सड़क हादसों का दौर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, शिक्षिका की हुई मौत। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।